नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे के गुट ने लगाया विधायक नितिन देशमुख पर आरोप, नितिन देशमुख का दावा बताया जा रहा है झूठा। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, कटरा पहुंचना हुआ आसान। और प्रशासनिक व्यवस्था के शिकार हुए दो युवक बेगुनाहों को रिहा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है मांग। अब खबरें विस्तार से। एकनाथ शिंदे के गुट ने कहा कि विधायक नितिन देशमुख का यह दावा कि मैं खुद को छुड़ाकर भाग गया हूँ झूठा है। नितिन देशमुख की गुवाहाटी से अकोला वापसी की यात्रा निजी विमान से हुई थी। एकनाथ शिंदे साहब को सम्मान के साथ अकोला ले जाते हुए की देखी गई तस्वीरें। उद्धव ठाकरे के समर्थन में अरनी में शिव सैनिक आक्रामक हो गए और कुछ समय के लिए रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना के टूटने के बाद शिव सैनिक आक्रामक हो गए और जोरदार नारेबाजी की। सर्व शाखा प्रमुख, सर्व शिवसैनिक, सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या समर्थनार्थ आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। आम्ही सगळे शिवसेनेचे शिवसैनिक आहोत। 4-2 आमदार, 4-2 खासदार जर शिवसेनेतून गेले असतील त्याचा काहीही फरक शिवसेनेवर पडणार नाही। शिवसेना ही अखंड आहे। शिवसेना ही शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आहे आणि आम्ही सगळेजण शिवसेनेसोबत आहोत। याचं समर्थन करण्यासाठी आम्ही आज आर्णी तालुक्यात शिवनेरी चौकात एकत्र आलेलो आहोत। शिवसेना में दरार को दूर करने के लिए केदार दिघे ने अपने चाचा आनंद दिघे के समाधि पर जाकर शिकायत की है। उन्होंने इस वक्त कहा कि अभी की जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसका एक अच्छा रास्ता निकलना चाहिए। इस परिस्थिति की वजह से जो कुछ उथल पुथल राजनीति और शिवसेना में हो रही है उससे सभी साधारण शिव सैनिकों के मन पर जो भी जवाब आया है उसका हल निकाल कर पहले जैसे एकजुट होकर संघटना में मिलकर काम करे, ऐसा केदार दिघे ने कहा। मी तर खरं म्हणजे आज जास्ती इकडे कोणत्याही प्रकारची भूमिका मांडायला आलेलो नाही। मी माझ्या काकाच्या चरणी आणि दिघे साहेबांच्या चरणी नतमस्तक होऊन एवढंच गाराणं घालायला आलो आहे की आत्ताची जी परिस्थिती आहे त्याच्यामधनं काहीतरी एक चांगली वाट निघावी। हे जे काय संकट, ह्या ज्या काय गोष्टी उलथापालथ ह्या राजकारणामध्ये होत आहेत, ह्या शिवसेना या संघटनेमध्ये होत आहेत आणि ह्या सर्वसामान्य शिवसैनिकेच्या मनावरती जो काही दडपण आलेलं आहे, जे काय शिवसैनिकांची भावना आहे, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनावरती जे काही दडपण आहे, ते सध्याच्या स्थितीमधनं ह्या गोष्टींमधनं मार्ग निघावा आणि शिवसेना जशी पूर्ववत होती, सर्वजण जसे एकत्रित होते त्या पद्धतीने ह्या सगळ्यांनी एकत्रित येऊन ही संघटना त्याच पद्धतीने परत एकदा चांगल्या रीतीने कार्य करावं एवढीच एक इच्छा घेऊन मी या दिघे साहेबांच्या चरणाशी आलेलो। नाही साहेब, मी एक आपल्याला विनंती करतो की मी आज बाकी कुठच्याही विषयावरती न बोलता हे सगळं पूर्ववत पहिल्यांदीसारखं व्हावं आणि सगळेजण एकत्रित यावे ह्यासाठी, कारण की दिघे साहेबांनी उभ्या आयुष्यात अनेक संकटं जी त्यांच्यासमोर आली त्याच्यामधनं मार्ग काढलेलं आहे आणि ह्या शक्तिस्थानाला एक वेगळं महत्त्व आहे। मला असं वाटतं की ह्या साहेबांच्या चरणाशी गाराणं घातल्यावरती अनेक गोष्टींना त्याच्यामधनं मार्ग निघेल, अनेक संकटांमधनं मार्ग निघेल आणि ही संघटना पुन्हा एकदा सगळे एकत्रित येऊन एक चांगल्या पद्धतीने ही संघटना घडेल। माता वैष्णो देवी के साथ माँ के दरबार जाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए खुशखबरी आई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वालों का सफर अब पहले से भी आसान हो जाएगा। यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मोदी सरकार ने भक्तों की सुविधा के लिए कटरा तक की सुविधा शुरू की है। अब भारतीय रेलवे ने चेन्नई और दिल्ली से कटरा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा रेलवे ने चेन्नई से चलने वाली ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा चेन्नई एक्सप्रेस और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से चलने वाली हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम सुपरफास्ट को फिर से शुरू किया है।
माता वैष्णो देवी के साथ मां के दरबार जाने वाले करोड़ों भक्तों के लिए ट्रेनों की बहाली से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से आने वाले भक्तों को फायदा होगा। नॉर्थ रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 22655, 22656 एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 16031, 16032 चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा चेन्नई सेंट्रल की सुविधा बहाल कर दी गई है। गाड़ी संख्या 16031 हफ्ते में 3 दिन चलेगी। यह 3 जुलाई 2022 से शुरू हो जाएगी, जबकि डाउन में गाड़ी संख्या 16032 5 जुलाई 2022 से शुरू होगी। वही गाड़ी संख्या 22655 6 जुलाई से और गाड़ी संख्या 22656 8 जुलाई 2022 से शुरू होगी। चेन्नई सेंट्रल श्री माता वैष्णो देवी कटरा हफ्ते में 2 बार अप और 2 बार डाउन संचालित होगी। 20 जून को पैनगंगा अभयारण्य में पांडरकवड़ा वन्य जीव विभाग के अंतर्गत खरबी वन अभयारण्य के वन अधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के अनुसार 3 आरोपी चित्तल के शिकार करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। यह घटना पैनगंगा अभयारण्य के वड़गांव क्षेत्र के कोठारी स्थित डैनमल जुबली स्कूल के पीछे की है। पैनगंगा अभयारण्य के वड़गांव क्षेत्र के पास कोठारी स्थित डायमंड जुबली स्कूल के पीछे वड़गांव क्षेत्र से चीतल वन्य जीवों के अवैध शिकार की गुप्त जानकारी के अनुसार 19 जून 2022 को रात 9 बजे वन विभाग के कर्मचारियों ने सूचना की पुष्टि करते हुए रात 10 बजे से रात भर आरोपी के सुअर फार्म हाउस पर जाल बिछा दिया और आरोपी बाबू बुद्धाजी हनुमान दास को 20 जून की सुबह 7:30 बजे चीतल के अंगों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। उस समय उसके पास से जंगली जानवर चीतल, सिर, सिंह, त्वचा, पैर, 4 नख के अंग जब्त कर लिए गए थे। साथ ही पूछताछ के दौरान उसके सह आरोपी मारुति नामदेव आरमाड़कर के घर की तलाशी के दौरान उसके घर से शिकार में इस्तेमाल होने वाले जाल और वाघुर 5 नख बरामद किए गए। मारुति नामदेव आरमाड़कर पर भी अभयारण्य में जंगली सुअर का शिकार करने का मामला दर्ज किया गया है। तीसरे आरोपी मारुति माधव मेनके को अपराध में प्रयुक्त शिकार जाल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, साथ ही उन पर अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों को मजिस्ट्रेट उमरखेड़ की अदालत में पेश किया गया है और जांच की जा रही है। संभागीय वन अधिकारी वन्यजीव पांडरकवड़ा श्री किरण जगताप, सहायक वन संरक्षक वन्यजीव पैनगंगा अभयारण्य उमरखेड़ श्री भरत खेलबाड़े के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी वन्यजीव खरबी नितिन अतपड़कर, वनपाल वीबी इंगले, वनपाल वीआर सिंगनजुड़े, वनपाल एसएल कान्नड़े, वन रेंजर एके मुजमुले, वन रेंजर बीआर काशिदे, फॉरेस्ट रेंजर जेवी शेम्बाड़े, फॉरेस्ट रेंजर जीएस मुंडे, फॉरेस्ट रेंजर पीआर तांबे कर रही है। साथ ही इस कार्रवाई को तौसिफ खान, विनोद कगने, मारुति पचपुते, कृष्णा ढिम्बारे, संजय वंजारे, देवरवन भारकड़े ने अंजाम दिया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। सेना, नौसेना और वायुसेना में गैर अधिकारी रैकों को शामिल करने के लिए मौलिक रूप से अलग अग्निपथ भर्ती योजना किसी भी तरह से अचानक नहीं आई है। इसकी तैयारी पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सैन्य भर्ती नीति में बदलाव का पहला विचार उभरा। इसे कारगिल समिति, अरुण सिंह समिति और शेखरकर समिति सहित कई समितियों और आयोगों में अभिव्यक्ति मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में इसकी घोषणा की। इससे पहले 2 साल से अधिक समय तक इस पर गहन विचार विमर्श और चर्चा हुई। इसको लेकर कुल 254 बैठकें हुई, जिसमें 750 घंटे लगे। 3 सेनाओं में सबसे अधिक बैठकें हुई, जहां 150 बैठकों में लगभग 500 घंटे लगे। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 60 बैठकें बुलाई, जिनमें 150 घंटे लगे, जबकि सरकार ने 100 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। इसके लिए करीब 44 बैठकें आयोजित हुई है। बैठकों के दौरान अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के सैन्य भर्ती मॉडल का अध्ययन करने पर बड़ा जोर दिया गया। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विवरण अभी भी प्रगति पर है। अग्निपथ योजना के तहत पहले वर्ष में 50,000 अग्निवीर भर्ती करने का प्रस्ताव है। इन्हें अन्य भर्ती प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा, सैन्य प्रतिष्ठान के एक सूत्र ने ईटीवी भारत को बताया। विशेष बलों के प्रशिक्षण विवरण को गुप्त रखा जाता है। प्रशिक्षण मॉडल के सटीक और बारीक विवरण पर अभी भी काम किया जा रहा है। 22 जून को गोंदिया जिले के नदी से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही से महलगांव में अवैध रेत लेकर जा रहे ट्रक ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश का वातावरण निर्माण हो गया है। गोंदिया जिले के नदी से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। हालांकि इसे नियंत्रित करना और रोकना संबंधित अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारी रेत माफिया के साथ वित्तीय हित संबंध बनाए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही से महलगांव में हुए हादसे में 2 मासूम युवकों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर प्रशासन समय रहते इस पर लगाम लगाता तो यह घटना नहीं होती। इस घटना से जनता में आक्रोश निर्माण हुआ और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अनुचित आरोप लगाए गए। मांग है कि पुलिस प्रशासन निर्दोषों को रिहा करे। सुनील मेंढे ने आज 22 जून को सरकारी विश्राम गृह में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। तिरोड़ा विधायक विजय रांगदाले, पूर्व विधायक रमेश कुठे, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुलकर्णी, जिला परिषद अध्यक्ष संजय टेम्बरे, नगर अध्यक्ष सुनील केलनका, ओबीसी गठबंधन के जिलाध्यक्ष गजेंद्र पुंडे, जिला परिषद सदस्य पवन पाटले, मनोज पटनायक, चंद्रभान तारुण आदि मौजूद थे। मेंढे ने कहा कि वह आज महलगांव हादसे में मारे गए आगाशे के परिवार से मिलने गए। इस समय उन्होंने सरकार से आवश्यक मदद और व्यक्तिगत मदद की मांग की। इसके बाद उन्होंने महलगांव बोंडरानी अर्जुने में रेत घाटों का दौरा किया। इस बार उन्होंने नदी में अवैध रेत उत्खनन होते देखा, घाटों पर कई अनियमितताओं का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत थी वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे, गिफ्ट बुक्स नहीं थे और सीमा से ज्यादा रेत जमा की गई, ऐसा मेंढे इन्होंने बताया। खाद्य तेल की कीमतें गिर रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। बीते कुछ महीनों से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से प्रभावित हुए खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आने की वजह से नागरिकों को दिलासा मिला है। केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए खाद्य तेल पर सीमा शुल्क हटा दिया है। सोयाबीन और पाम तेल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में 10-15% की गिरावट आई है, जिस वजह से नागरिकों को राहत मिली है। अब इंडोनेशिया से जो ड्यूटी कम की है गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वो हिसाब से जरा इफेक्ट आया है मार्केट में और 10-15% कम हुआ है रेट, और भी थोड़ा आस्ते आस्ते रेट कम होगा। अभी पाम तेल का रेट था 2500 रुपया, आज है 2300 रुपया, और भी कम होने का चांसेस है। मलेशिया का भी प्रोडक्शन में, मलेशिया का सीज़न है, मलेशिया इंडोनेशिया का, तो वहाँ पे अभी फुल क्रॉप का सीज़न है, तो वो हिसाब से माल का ज़्यादा ये है, तो वो प्रेशर है, वो हिसाब से उधर कम हो, उधर कम होगा। अर्जेंटीना से आता है, रशिया से आता है, यूक्रेन से आता है, अभी आस्ते आस्ते कम हो गया है, वो फर्क अभी है नहीं इतना, क्योंकि अर्जेंटीना से माल फुल आ रहा है। रशिया से कम हो रहा है, यूक्रेन से तो बंद है, रशिया से अभी चालू हुआ है थोड़ा थोड़ा। पटना से उड़ान
भरने के कुछ ही समय बाद एक पक्षी के टकराने के बाद इंजन में आग लग गई, जिसके बाद 185 यात्रियों के साथ दिल्ली जाने वाली उड़ान ने पटना हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। पायलट इन कमांड कैप्टन मोनिका खन्ना ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और इस आपातकालीन लैंडिंग में सवार सभी लोगों के साथ पटना हवाई अड्डे पर सुरक्षित लौट आई। पटना पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। स्पाइसजेट में फ्लाइट ऑपरेशन के चीफ गुरुचरण अरोड़ा ने पायलट की त्वरित कार्रवाई के लिए सराहना की। गुरुचरण ने बताया, कप्तान मोनिका खन्ना और फर्स्ट ऑफिसर बलप्रीत सिंह भाटिया ने घटना के दौरान खुद को अच्छी तरह से संचालित किया। वे पूरे समय शांत रहे और विमान को अच्छी तरह से संभाला। वे अनुभवी अधिकारी है और हमें उन पर गर्व है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।